श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला, आप सबके सामने वापस से पेश हो गया हूं वीकली शो लेकर जिसका नाम है धनवाणी। इस शो में हम बात करेंगे कि जीवन में आगे कैसे बढ़े, पैसा कैसे कमाएं, तरक्की के मार्ग पर कैसे जाएं। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 21 जुलाई से 27 जुलाई 2024 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपके जीवन में सरप्राइजिंगली कुछ भी हो सकता है। बुध आदित्य योग होने की वजह से आपके जीवन में लग्जरियस चीज़ें आ सकती है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है, अटका हुआ पैसा मिल सकता है। और जो लोग शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, शेयर बाज़ार के कार्य के साथ जुड़े हुए ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कंसल्टेंट्स, दलाली का व्यापार कर रहे हैं, उन सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि यह सप्ताह कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। आर्थिक स्थिति पैसों के लिहाज से देखा जाए तो वह आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत बेहतरीन है। प्लानिंग शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आपको लाभ होगा। मेष राशि वालों, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो लाइफ जिगजैग जैसी चल रही थी, वो अब स्टेबल होती नज़र आएंगी। स्टेबल होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ पॉजिटिव हुआ है। दूसरा, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपने माँ बाप के साथ, परिवार वालों के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। और अगर आपके माता पिता आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो यह सप्ताह शायद वो एक्सेप्ट कर लें। यह सप्ताह कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, पर सेहत का ध्यान रखना है। स्टमक पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है वृषभ राशि वालों, तो उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। बाकी लापरवाही नहीं बरतनी है, अलर्ट मोड पर रहिए, सावधान रहिए, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, अभी नहीं तो कभी भी नहीं, जो कार्य करना है जैसे करना है कर लीजिए, पर दो चीज़ का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नुकसानकारक साबित हो सकता है। दूसरा, अगर आप निवेश कर रहे हैं, शेयर बाज़ार में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर निवेश करेंगे मिथुन राशि वालों, तो आपको मज़ा आएगा। दूसरा, अगर कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार है, पेंडिंग है, कोई बाधा रखी हुई है जो पूरी नहीं की है, तो वो बाधा पूरी करने का समय भी आ चुका है। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह प्रोफेशनल के साथ साथ थोड़ा धर्म के प्रति स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, यह सप्ताह लेडीज़ का सप्ताह, यह सप्ताह हाउसवाइफ्स का सप्ताह है। जो लेडीज़ घर से कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं, हाउसवाइफ है, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए सप्ताह बेहतरीन है। आप मेकअप का कार्य, कपड़ों का व्यापार, खाने पीने का व्यापार, ये तीन व्यापार में से कोई भी व्यापार का प्लानिंग कर सकते हैं कर्क राशि वालों, जरूर से आपको मज़ा आएगा। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं तो अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। और कोई भी चीज़ का टेंशन था, स्ट्रेस था, तो वो टेंशन दूर होगा, वो स्ट्रेस दूर होगा, जीवन में खुशियों का आगमन होगा, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जो भी कार्य करते हैं पहले से किसी को भी डिस्क्लोज ना करें, साझा ना करें, बताएं नहीं, वरना कार्य अटक सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा विचार नहीं करना है, जितना ज़्यादा विचार करेंगे उतना कन्फ्यूजन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा सोचे बिना आप कार्य करना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आपको मज़ा आएगा। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह पैसों का आगमन होगा, अटके हुए पैसे मिल सकते हैं और
कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, पुलिस केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो वो पुलिस केस भी आपके फेवर में आ सकता है, कोर्ट केस भी आपके फेवर में आ सकता है। यह सप्ताह सिंह राशि वालों, आपको अचानक कुछ भी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मोनेटरी गेंस भी हो सकते हैं, ऐसा पैसा जो शायद आप भूल गए हो पर वो आपके जीवन में वापिस आ जाए, तो एंजॉय करें, सप्ताह अच्छी तरह से बीतेगा। कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, सूर्य और शुक्र का गोचर कॉम्बिनेशन आपके जीवन में शुक्र का अच्छा योग लाएगा, यानी कि आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर पाएंगे। शायद टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे थे, करियर में प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज आ रही थी, तो वो अच्छी तरह टारगेट्स भी पूरी कर पाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर देख सकते हैं। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है, पर पैसों की लेन देन से बचें, उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है, इस चीज़ में तो खास ध्यान रखिएगा, वरना क्या होगा, वरना नुकसान हो सकता है, निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों, घर पर अगर बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखिए, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। तुला राशि, गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो प्लान्स चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर ले जा सकते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोवर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग रहेगा, आपके जीवन साथी का भी अच्छा सहयोग रहेगा, मन मुटाव चल रहा था तो मन मुटाव दूर होगा, संबंधों में सुधार आएगा। तुला राशि वालों, सप्ताह आपका अच्छा है, पर जो भी कर रहे सोच समझ कर प्लान करके करेंगे तभी मज़ा आएगा। और दूसरा क्या है कि निवेश कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, तभी जाकर रिटर्न अच्छा आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो भी कार्य करना है उसका प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा ना, तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे, वरना क्या होगा, वरना आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, सप्ताह ओके रहेगा, अलर्ट रहिए। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपके हिडन एनिमीज बहुत है, तो उनका कृपया करके ध्यान रखिए, वरना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जो भी कार्य कर रहे हैं आप, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, व्यापार में थोड़ा सा बदलाव तरक्की के मुकाम पर पहुंचा सकता है। आपने लोन अप्लाई किया था तो वो लोन आपको मिल सकता है, घर खरीदना चाहते हैं, बाधाएं आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, तो वो बाधाएं दूर होंगी, अड़चनें दूर होंगी, संबंधों में सुधार आएगा। और कोई लीगल डिस्प्यूट, कोई लीगल केस, पुलिस केस, कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपके फेवर में आ सकता है, या तो फिर समाधान हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बिंदास हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। नवमी राशि, धनु राशि, गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे उतना तकलीफ में रहेंगे, गुस्सा नहीं रख करना है, मन को शांत रखना है। दूसरा, यह सप्ताह आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त रहेगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास नुकसानकारक हो सकता है, यानी कि जितना हो सके जमीन से जुड़े हुए रहिए। और तीसरा क्या है, अहंकार को अपने अंदर से निकाल फेंकें, अहंकार बनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको जमीन से जुड़कर कार्य करना है, पॉजिटिव रहना है, और निस्वार्थ भावना से जो लोग आपके साथ जुड़े उनकी मदद करें, कल्याण अवश्य होगा। मंगलवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें, ओम गण गणपताय नमः 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, जरूर से फर्क देखने को मिलेगा, सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। दसवीं राशि, मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, यह सप्ताह जबरदस्त है, यह सप्ताह रिलैक्स भी कर सकते हैं, यह सप्ताह धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप यह समझ लीजिए प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ वाइज, ये तीनों चीज़ों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। मकर राशि वालों, लास्ट फिंगर में सबसे छोटी उंगली में मोती पहनिए। मोती क्या है, मोती यानी मूनस्टोन, चंद्र, चंद्र मन का कारक है, तो 5 कैरेट का मोती पहनते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। जो मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, जो माइंड वेवर करता रहता है, तो वो वेवरिंग माइंड दूर होगा, संबंधों में सुधार आएगा, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपको डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है,
कुछ बदलाव लाएंगे तो आने वाले समय में अच्छे समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। मकर राशि वालों, सप्ताह आपका जबरदस्त रहेगा। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, मंगल का प्रभाव आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको ग्रोथ देगा, पर जुपिटर आपकी कुंडली में, आपकी राशि में होने के कारण आपको अचानक भी चीज़ें मिल सकती है, सरप्राइजिंगली ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसका शायद आपने सोचा भी ना हो, जिसका शायद आपने प्लानिंग भी ना किया हो, तो यह चीज़ संभव है कुंभ राशि वालों। साथ साथ में अगर आप कोई अच्छे पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अच्छे पार्टनर आपको यह सप्ताह मिल सकते हैं। आपके जीवन में अच्छे लोगों का आगमन होगा, प्रभावशाली लोगों का आगमन होगा और वो लोग आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, वरना क्या होगा, वरना इश्यूज़ आ सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, तो यह चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखिए कुंभ राशि वालों, सप्ताह आपका जबरदस्त रहेगा। लास्ट राशि मीन राशि, गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, आप अभी तक मेहनत करते थे, परिणाम नहीं मिल रहा था, तो यह सप्ताह अच्छा परिणाम मिल सकता है। 100 में से आपको 30% मिलता था, यह सप्ताह आपको 85% आपको परिणाम मिल सकता है। आपको संबंध सुधारने का मौका मिलेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो संबंध सुधारने के लिए सप्ताह बेहतरीन है। बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन, यह दो दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ में उत्तेजित नहीं हो जाना है, मन को शांत रखना है और खुद की नहीं चलानी है, आपको अपने अंदर से राशि वालों जिद्दीपने को निकाल फेंकना है, सुनना है अपने पार्टनर की, परिवार वालों की, सुनना है, सोचना है, समझना है और उसके बाद आपको एक्शन लेना है, तभी जाकर आपको मज़ा आएगा। मीन राशि वालों, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, ओम हनुमंताय राम दूताय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान जी के मंदिर जाकर तेल नारियल सिंदूर अवश्य अर्पण करें हनुमान जी को, आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, सप्ताह आपका जबरदस्त रहेगा। हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे जीवन में बदलाव आए, तो तांबे के लोटे में आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, ओम रिम सूर्याय नमः, ओम रिम सूर्याय नमः, ओम रिम सूर्याय नमः, यह मंत्र आपको 21 से 51 बार बोलना है, फिर देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कितना परिणाम, कितना पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलता है। उम्मीद रखते हैं आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सप्ताह शनिवार के दिन सुबह इसी समय मिलते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, आप सब खुश रहिए, समृद्ध रहिए, एंजॉय करें। श्री गणेशाय नमः।